गाजर में कौन कौन से विटामिन्स और कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? देखिए, गाजर में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के अलावा पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम और आयरन जैसे सभी जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। गाजर में एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है जो बहुत ही लाभदायक होता है। लौकी में कौन कौन से विटामिन्स और कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? देखिए, लौकी में विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक से भरपूर होती है लौकी। पालक में कौन कौन से विटामिन्स और कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? जी हाँ, पालक मानव शरीर को प्रोटीन, खनिज और आयरन का एक अच्छा स्रोत है। इसके अलावा पालक में बहुत सारे विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के, और इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। धनिया की पत्ती में कौन कौन से विटामिन्स और कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? देखिए, धनिया की पत्ती में विटामिन सी, विटामिन के पाया जाता है। इसके अलावा ये प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें बहुत कम मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, थायमिन और कैरोटीन पाया जाता है। जी हाँ, आलू में कौन कौन से विटामिन्स और इसके अलावा कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? देखिए, आलू में विटामिन ए और विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। अमूमन हमारे घरों में आलू का छिलका उतार कर ही उसे पकाया जाता है, लेकिन आलू को छिलके समेत पकाना बहुत फायदेमंद होता है। प्याज प्याज में कौन कौन से विटामिन्स और कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? देखिए, प्याज में काफ़ी मात्रा में सल्फर, फाइबर्स, इसके अलावा पोटेशियम, कैल्शियम और इसके अलावा विटामिन बी और सी होता है। इसमें फैट, कोलेस्ट्रॉल और सोडियम काफ़ी कम होता है। प्याज के हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही, साथ ही घर में मौजूद ये बैक्टीरिया को भी ख़त्म करने में उपयोगी है।